चैप्टर 27। तलाक लेने से पहले इतना तो सोचिए। एक बार एक चार्टर्ड अकाउंटेंट साहब दादा भगवान से मिलने आए। उन्होंने कहा, मुझे मेरी पत्नी अच्छी नहीं लगती। पूज्य श्री ने प्रश्न किया, तो फिर उसके साथ शादी क्यों की? तब भाई साहब ने कहा, जब बचपन में हम गांव में रहते थे, तब पिताजी ने अपने एक मित्र को उनकी लड़की के साथ मेरी शादी करने का वचन दे दिया था। मैं तो आगे पढ़ाई करने का मौका मिलते ही शहर आ गया और सीए हो गया, लेकिन वह लड़की तो गांव में बड़ी मुश्किल से मैट्रिक एसएससी ही पास कर पाई। उसके मां बाप ने उसे आगे पढ़ने नहीं दिया। गांव में ही पली व बड़ी होने के कारण शहरी वातावरण में आधुनिक जमाने के अनुसार वह ढल नहीं सकती और मेरे फ्रेंड सर्कल में भी मिक्स नहीं हो पाती। वैसे संस्कारी है, स्नेहल है, लेकिन आधुनिक जमाने के तौर तरीकों से अनजान होने के कारण मेरे फ्रेंड सर्कल में मेरा रौब नहीं पड़ता। मित्र मंडली व पार्टियों में उसे साथ ले जाते हुए मुझे शर्म आती है। तब पूज्य श्री ने उन भाई साहब से प्रश्न किया, तुम्हें अपनी पत्नी अच्छी नहीं लगती, यह बात तो सही है, लेकिन तुम अपनी पत्नी को अच्छे लगते हो या नहीं? तुरंत ही उन्होंने जवाब दिया, मैं तो हर तरह से फिट हूं, योग्य हूं, सीए हूं, मेरी अच्छी प्रैक्टिस चलती है, हैंडसम व मॉडर्न हूं, इसलिए मेरी पत्नी मुझे बहुत पसंद करती है, जबकि वह सिर्फ 10वीं पास, श्यामवर्णी, गांव की गवार कन्या है, अतः वह मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है। मैं तो उससे तलाक लेना चाहता हूं। आप ही मुझे मार्गदर्शन दीजिए कि मुझे क्या करना चाहिए। तब पूज्य श्री ने बड़ी गंभीरता से पूछा, पहले तुम यह बताओ कि तुम दोनों में से कौन अधिक किस्मत वाला कहलाएगा। प्रश्न सुनते ही भाई साहब सब समझ गए और बहुत शर्मिंदा होकर कहने लगे, सच बात तो यह है कि हम दोनों में से मेरी पत्नी ही अधिक किस्मत वाली है, जिसे मुझ जैसा पति मिला है। उसके बाद दादा भगवान ने बड़े प्रेम से समझाया कि इस एक अवतार के लिए हमने जो टेंडर भरे हैं, यानी कि जो डिजाइन बनाई है, उसी के अनुसार कुदरत हमें सप्लाई करती है, इसलिए जो मिला है वह हमारी डिजाइन के अनुसार ही है। इस बात को पूर्णतः समझकर हमें हमारे मन को समाधान देना है। हां, अगले अवतार के लिए हमें जैसा पसंद हो वैसा नई डिजाइन के अनुसार टेंडर भर सकते हैं। जब कभी इंसान किन्हीं संयोगों के शिकंजे में आ जाता है और उसकी शादी नहीं हो रही हो, तब अंत में वह मन में तय करता है कि कैसी भी लड़की होगी तो चलेगी, कम पड़ी हो, श्यामवर्णी हो तो भी चलेगी, बस वह मुझे और मेरी घर गृहस्थी को संभाले तो बहुत हो गया। अब इसी डिजाइन के अनुसार जब कुदरत सप्लाई करती है, उस वक्त इंसान नई परिस्थिति तथा नए वातावरण में आ गया होता है, अतः वह उस पुरानी डिजाइन में उलझ जाता है। समसरण मार्ग के विकास में निरंतर आते रहते परिवर्तनों में वह दुविधा में पड़ जाता है और सोच नहीं पाता कि क्या किया जाए, और स्वयं अपने ही पैरों पर कुल्हाड़ी मारकर
अपना अहित कर बैठता है। आज की परिस्थिति में संस्कार रूपी सौंदर्य सभर पत्नी मिली हो तो उसे सच्चे प्रेम व मार्गदर्शन से धैर्य से तालीम देकर आधुनिक बनाना, मॉडर्न बनाना कदाचित सरल हो सकता है, लेकिन हमारे समकक्ष विकसित पत्नी को काबू में रखना मुश्किल है। यदि एक दूसरे के साथ एडजस्ट न हो पाए तो ऐसी पत्नी कोर्ट में तलाक का केस दर्ज करने में भी हिचकिचाएगी नहीं। अतः हम यह कहना चाहते हैं कि आपने जो प्रॉमिस टू पे किया है उसका इस एक अवतार तक पालन करके कर्म के पुराने करार से, एग्रीमेंट से मुक्त हो जाइए। और यदि यह व्यापार अच्छा लगता हो तो दूसरे करार करिए, अन्यथा ज्ञानी पुरुष की खोज करके उनके चरण कमल में सर्वभाव अर्पण कर दीजिए। ऐसा करने से हमारे व्यवहार और अध्यात्म के तमाम काम पूर्ण हो जाएंगे, क्योंकि ज्ञानी पुरुष को आप्त पुरुष कहा जाता है। आप्त अर्थात हमारे अपने, सभी तरह से पूर्ण रूप से जिन पर विश्वास किया जा सके ऐसे पुरुष को आप्त पुरुष कहा जाता है। दादा भगवान अपने जीवन प्रसंग का वर्णन करते हुए कहते हैं, मैं 30 साल का था तब मेरी धर्मपत्नी हीराबा की एक आंख में कुछ हुआ था। डॉक्टर का ट्रीटमेंट लिया फिर भी उनकी एक आंख चली गई। 2 बच्चों की भी छोटी उम्र में ही मृत्यु हो गई थी। तब सभी ने सलाह दी, आप दूसरी शादी कर लीजिए। खुद पत्नी ने भी मुझसे विनती की थी कि आप दूसरी शादी कर लीजिए, मैं राजी खुशी इजाजत देती हूं, आपकी वंश परंपरा कायम रहे इसी में मेरी खुशी है। लेकिन हमने कहा, मैंने शादी के समय इनके हाथ से हाथ मिलाकर जीवन भर साथ निभाने का प्रॉमिस किया है। अब अगर इनकी दोनों आंखें चली जाए तब भी मैं इनकी सेवा करूंगा। क्षत्रिय होने के नाते प्रॉमिस करने के बाद मुकर नहीं सकते, दिए हुए वचन को निभाने के लिए यह एक अवतार दांव पर लगा देना चाहिए। इस प्रकार दादा भगवान का जीवन ही उनका संदेश था। उनका समग्र जीवन तद्रूप हो गया था। यही कारण है कि उनका मार्गदर्शन व उनकी वाणी सामने वाले के जीवन में तुरंत ही क्रियाकारी होते हैं। हाइलाइट्स, आप्त अर्थात हमारे अपने, सभी तरह से पूर्ण रूप से जिन पर विश्वास किया जा सके ऐसे पुरुष को आप्त पुरुष कहा जाता है। ओरिजिनल रिकॉर्डेड त्रिकालय बाधित मोती है, अज्ञाति मिरमर विक्षेपे जलती संसारी होली है। ये ओरिजिनल रिकॉर्डेड त्रिकालय बाधित मोती है, त्रिकालय बाधित मोती है, त्रिकालय बाधित मोती है।